नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज फ्रॉम आरपी यूट्यूब चैनल में। और आज 1 सितंबर 2020 से हम शुरू करने वाले हैं आरपी वर्ड ऑफ द डे वीडियो सीरीज। तो डेली आपको ये वीडियो सुबह 7 बजे के करीब मिल जाया करेगी, 6:30 से 7 के बीच। और इस वीडियो का पर्पज़ ये होगा कि हम डेली एक नया वर्ड सीखेंगे, उससे जुड़े हुए उसके सिनोनिम्स को देखेंगे। तो इस तरह से हमारे 4-5 वर्ड जो है तैयार हो जाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो दो चीज़ें हमें रेगुलर बेसिस पे पढ़नी पड़ती हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट करेगा ही, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाने में और आपकी जानकारी नॉलेज बढ़ाने में और आपको स्मार्ट बनाने में हेल्प करेगा। वो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपको डेली बेसिस पे वोकैब्स पढ़ने पड़ते हैं। आप ग्रामर तो एक दिन में पढ़ के 2-4 महीने में प्रैक्टिस करके उसको अपने यूज़ में ला सकते हैं, बट वोकैब्स आपको एक ऐसी चीज़ है जो दिन प्रतिदिन नई नई सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो आज से हम देखेंगे डेली एक वर्ड और उससे जुड़े हुए उसके फैक्ट्स। और इसके अलावा शाम को क्या, रात को 12 बजे के आसपास आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिल ही रही है, तो उसको भी देखा करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आई बटन में करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा आज, या फिर आप वीडियो प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो फ्रॉम नाउ टूडे ऑनवर्ड्स वी विल कंटिन्यू टू लर्न न्यू वर्ड ऑन डेली बेसिस। सो फॉर टूडे वी हैव अ वर्ड, इट इज़ कॉल्ड मिलेव। मिले इसमें ई यू हम लोग प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि जरूरी नहीं है कि मैं भी परफेक्ट ही कर दूं, तो आप क्या करेंगे, इस वर्ड को टाइप करेंगे गूगल ट्रांसलेट में या फिर अपने मोबाइल के डिक्शनरी में, और फिर उसमें प्रोनाउंसिएट का एक ऑप्शन होता है, ऐसे करके बना होता है माइक की तरह, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। जब आप उसको दबाएंगे तो ये आपको परफेक्टली प्रोनाउंसिएट करके बता देगा। उसको आप 2-3-4-5 बार सुनेंगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप पढ़ पाएंगे। तो इसको बोलते हैं मिले, ठीक है, मिलिए। मिली ई में ई लगा देते हैं, मिले। तो मिले ये जो शब्द है, ये शब्द का जो ये इंग्लिश में देखिए यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है कि इस शब्द का आखिर मतलब क्या है। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं इसे एक बार में, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप खुद से भी कोई नया वर्ड सीखते हैं तो पहले आप उसकी इंग्लिश में जो डेफिनेशन होती है उसको देख करके उसको समझने की कोशिश करें। तो इस मिले शब्द का क्या अर्थ है, द सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट इन विच अ पर्सन और थिंग्स एग्जिस्ट, मतलब कि एक ऐसा सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट जिसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ होती है, ठीक है। एक ऐसा सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास का एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा सराउंडिंग जिसमें हम किसी पर्सन या किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इस वर्ड से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं, यहाँ पर मैंने 4 सिनोनिम्स लिए हैं। देखिए सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब क्या होता है, आसपास का जो भी हमारा वातावरण है या फिर आसपास की जो भी हमारी एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फियर मतलब मौसम की यहाँ पर या फिर वातावरण की बात नहीं हो रही है, मतलब कि अगल बगल जो भी हमारे सराउंडिंग में है। जैसे मेरे सराउंडिंग में भी क्या है, ये बोर्ड है, नीचे मेरे कुछ कापी किताब रखे हैं, लैपटॉप रखा है, ठीक है, ये मेरी सराउंडिंग है। बैकग्राउंड मतलब हमारे पीछे क्या है, बैकग्राउंड में क्या है, जो भी हमको दिख रहा है, जो भी हम महसूस कर रहे हैं, वो सब कुछ। एटमॉस्फियर जैसे कि एटमॉस्फियर अच्छा नहीं है, जैसे कि क्या होता है कहीं लड़ाई हो रही है तो वो लोग कहते हैं अरे यहाँ एटमॉस्फियर अच्छा नहीं है, कहीं यहाँ कहीं लड़के मान लीजिए ताश खेलते रहते हैं तो वहाँ लोग कहते हैं अपने बच्चे से टो यार यहाँ एटमॉस्फियर अच्छा नहीं है, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। और एम्बियंस, ठीक है, तो ये आप अपने कॉपी पर डेली डेली नोट करिएगा, यू विल हैव टू राइट ऑन दिस ऑन योर नोटबुक, सो यू कैन रिवाइज, यू कैन कीप रिवाइज ऑन डेली बेसिस। और इसका मैं क्या करूँगा कि देखिए इसका एक शेड्यूल होगा कि सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको डेली नए वर्ड्स मिलेंगे, और हम लोग संडे के दिन क्या करेंगे, जितने भी पढ़े हम लोगों ने सारे वर्ड्स हैं उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। पहला दिन है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसके बाद जो आने वाला वीडियो होगा वो 2 से 5 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको पूरे एक वर्ड की जानकारी दे दी जाएगी। तो साथ में बने रहिए, डेली जरूर देखा करिए, ठीक है। तो इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो एक एग्जाम्पल डेली मैं आपको उस वर्ड से रिलेटेड दूंगा, और एक एग्जाम्पल या फिर उससे ज़्यादा भी आपके दिमाग में आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में जब आप देखेंगे तो अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो तुरंत समझ जाएंगे इस शब्द का शब्द, मिले शब्द का शब्द होता है मिले, मतलब हिंदी में आप इसे मिले जैसे होता है कि मैं उनसे मिला तो मिले बोल सकते हैं, ठीक है, इसका प्रोनंसिएशन वही होगा। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है परिवेश, वातावरण या परिस्थिति, ठीक है, तीन चीज़ों के लिए इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं हम आपको तब समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है द मीटिंग टेक्स प्लेस अगेंस्ट अ मिले ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, मतलब कि एक मीटिंग है जिसको कंडक्ट किया गया जो कि हुई किसके परिवेश में,
पॉलिटिकल वायलेंस के अगेंस्ट जो परिवेश था उसके, मतलब भी जैसे मान लीजिए मोदी गवर्नमेंट, अभी जैसे हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट 24% घट गई है, तो वो क्या है, एक पॉलिटिकल वायलेंस नहीं कहेंगे, एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल लेकर के, एक न्यूज़ है, तो उसके परिवेश में, उसके मिले में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे इस शब्द का वहां पर यूज करेंगे। तो यहां पर एक एग्जांपल है, द मीटिंग टेक्स प्लेस अगेंस्ट अ मिले अ पॉलिटिकल वायलेंस। तो यहां पर आप और भी एग्जांपल बना सकते हैं, जैसे द मीटिंग टेक्स प्लेस, या फिर मीटिंग की जगह हम लोग कोई और शब्द भी ले सकते हैं, लाइक हम लोग क्या कर डिस्कशन करते हैं, द डिस्कशन टेक्स प्लेस अगेंस्ट अ मिले ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट विच हैज फॉल डाउन बाई विच हैज फॉलन डाउन बाई 24%। ये 1996 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट में। ये तो करंट अफेयर वगैरह की बात हो गई, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये शब्द था जिसका आप, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रोज़ आने वाली वीडियोज़ टाइम पर मिल जाएँ। और इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, भव माता की जय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।